हेलो एवरीबॉडी, आप सभी हैं अभी एवरीडे स्माइल चैनल पर। मैं सुधा सिंह आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही नई रेसिपी लेकर आप लोगों के सामने आई हूँ। इसे रागी या मड़ुआ भी कहते हैं, उसका आटा से मैं केक बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने 1.5 कप यहाँ मड़ुआ का आटा लिया है। डेढ़ कप मड़ुआ का आटा दिया है, 1½। और इसी कप से मैं 1 कप चीनी लूंगी, पिसी हुई चीनी है, इसे मैं पहले ही पीस कर रख लिया था। और 1 कप रिफाइंड तेल, आप चाहे तो घी में या बटर में भी बना सकते हैं, मैं यहाँ रिफाइंड तेल के साथ बना रही हूँ। अब इन सामग्रियों को मिक्स करते हैं। बाद में मैं इसमें 3 अंडा ऐड करूंगी, थोड़ा सा कुटा हुआ बादाम है, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर है और 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा है और इसमें एसेंस है वेनिला का। तो मिक्स करते हैं इसको, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम अंडा डालेंगे और एक ही डायरेक्शन में इसे फेंटना है, उल्टा डायरेक्शन से नहीं फेंटेंगे, जिधर से स्टार्ट किए हैं उधर से ही फेंटते जाएंगे। बेकिंग पाउडर 1 चम्मच, बेकिंग सोडा 1/2 चम्मच, बेकिंग सोडा ज़्यादा नहीं डालना है नहीं तो केक जो है वो थोड़े कड़वे होने के चांस होते हैं। और अंडों को मैं बाद में फेंटूंगी। 1 चम्मच वेनिला का एसेंस मैं डाल रही हूँ और अब अंडों को तोड़कर डाल देती हूँ। मैंने 5 मिनट इनको फेंट लिया था, अब अंडों के साथ फेंटेंगे और ध्यान रखिएगा कि इसमें छिलका ना जाए। तीनों अंडों को मैंने तोड़कर इसमें डाल दिया है, अब इसे साथ में फेंटना है। और इस तरह से एक बार केक जरूर बना के देखिए। एक कैल्शियम और आयरन से भरपूर है ये मड़ुआ का आटा। पहले तो ये गरीबों का भोजन था, मोटा अनाज कहलाता था, लेकिन अभी अमीर लोग इसे खाने लगे हैं जिसके कारण इसकी कीमतें भी बढ़ गई है। इसे मैंने करीब 10 मिनट फेंट लिया है और देखिए ये कितना अच्छा है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा है ना ही पतला, ऐसा ही चाहिए था हमें। अब इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। केक मैं कुकर में बनाने जा रही हूँ तो इसके लिए मैंने कुकर को चढ़ा दिया गैस चूल्हा पर, उसमें नमक डाल दी हूँ और इस तरह का स्टैंड आते हैं ना, ये इसके अंदर रख देंगे। अगर स्टैंड नहीं है तो आप प्लेट भी रख सकते हैं कोई। अब घोल को मैं इस बर्तन में डालने जा रही हूँ तो इसके लिए मैं इसमें रिफाइंड तेल लगा दे रही हूँ। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर का यूज कर सकते हैं, मैं ऐसे ही करूँगी। और रिफाइंड तेल के बाद मैं इसमें थोड़ा सा आटा छिड़क दूंगी इस तरह से, और इसमें मैं इस तरह से आटा छिड़क दी हूँ। इससे क्या होगा कि बैटर जो हम इसमें डालेंगे वो चिपकेंगे नहीं, ये देखिए। और जो एक्स्ट्रा आटा है उसको हम झाड़ देंगे, निकाल देंगे एक्स्ट्रा आटा को निकाल देंगे। अब डाल देते हैं इसमें, अब इसमें बैटर जो है तैयार उसको डाल देते हैं, इसमें डाल दे रही हूँ। और इसमें कलर डालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रागी का आटा का कलर चॉकलेटी होता है, इसलिए इसमें नहीं डालेंगे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्रश किया हुआ बादाम डाल दे रही हूँ। आप इसके जगह पे और भी कोई ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, जैसे टूटी फ्रूटी हो गया, स्ट्रॉबेरी का पीसेस काट के, चेरी काट के डाल सकते हैं आप अपनी पसंद के फ्रूट। अब मैं इसे कुकर में डालने जा रही हूँ।
मुझे डब्बा चेंज करना पड़ा क्योंकि वो कुकर के अंदर नहीं जा रहा था। मैं पहले उसको मापी नहीं थी, मुझसे भूल हुई, तो मैंने दूसरे डब्बे में डाल दिया। ये देखिए, इस तरह से मैं कुकर में इसे डाल दी हूँ। और शुरू में हाई फ्लेम में रखेंगे। अब मैं इसका ढक्कन लगा दे रही हूँ। सीटी और रबर मैंने दोनों हटा दिए हैं और इसे आप सेम फ्लेम में 45 मिनट तक पकाएंगे। कुकर का ढक्कन मैंने हटा दिया है और केक पूरा ऊपर तक फूल गया है। चाकू घुसाकर मैं देख रही हूँ। ये देखिए, केक जो है ये तैयार हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। कुकर से मैं निकाल कर इसे 15 मिनट करीब ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से निकालेंगे। देखिए, और फूला भी बहुत है। अब इसे मैं काट कर दिखाती हूँ। अब मैं इसे काट कर दिखाती हूँ कितना स्पंजी बना। ये देखिए, वाह, केक बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। आप लोग भी इस तरह से एक बार रागी का केक, मड़ुआ का केक बनाकर देखिए। मैं निकालती हूँ पीसेस को। ये देखिए कितना स्पंजी बना है केक। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और जिन फ्रेंड ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ना। और एक बार इस विधि को जरूर बनाकर देखिए।